प्रभु, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ एबीसीडी। हम आपके डांस का तूफान देखने थिएटर में जरूर आएंगे, फिलहाल आपके डायरेक्टर को हंसी का तूफान दिखाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स लॉट, एंड कृष्णा एंड भारती इज टू गुड, टू गुड, अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। भारती, हमने सुना है कि आप इनकी बड़ी फैन है, कुछ कहना चाहेंगी? बहुत सर, मैं चाहूंगी कि आप मुझे वो स्टेप सिखा दे गोविंदा वाला। हीरोइन बनने के लिए पूर्वी सिर्फ और सिर्फ सब्जियां खाती है, और सब्जी वाले भैया से वो कौन कौन सी सब्जियां लाती है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम पूर्वी एज अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अपने आज के पार्टनर मुबीन एज अ सब्जी वाला के साथ। जी हाँ, मैं हूँ फल नायक, सब्जी वाला फल नायक। अरे अरे, डरी मत डरी मत, वो क्या है ना, मैं एक्ट्रेस हूँ, एक्ट्रेस, और कैरेक्टर में रहने के लिए ऐसे रिहर्सल करती रहती हूँ। बस एक बार मुझे फिल्मों में ब्रेक मिल जाए। हेलो रमा सा, हाउ आर यू? एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, वेरी गुड वेरी गुड डांसर, जस्ट साइन मी फॉर अ फिल्म। और सुनो, मैं कोई ऐसी वैसी स्ट्रगलर नहीं हूँ, 3-4 ऑडिशन है पाइपलाइन में। हाँ, आलू ले लो, टमाटर ले लो, कांदा ले लो, मूली ले लो। हाँ ठीक है ठीक है, तू मुझे 1/2 किलो भिंडी दो, और मुझे 2.5 ग्राम हरी मिर्ची। हरी मिर्ची? हाँ जी, हरी मिर्ची। हाँ ये लो। इतनी मोटी जाड़ी मिर्ची, ये क्या है ये? अरे मैडम, ये शिमला मिर्च है। हाँ, वो क्या शिमला में होती है ना, आपको पता है शिमला में कितनी ठंड होती है, इसीलिए कंबल अम्बल ओढ़ के पैदा होती है। मैं बहुत फेमस सब्जी वाला हूँ, बड़े बड़े एक्टरों के यहाँ मैं सब्जी बेचता हूँ। अच्छा? हाँ, अभी सेब भैया को कांदा देकर आ रहा हूँ, आज उनके घर में बनेगी चिकन करी और मटन करी। अरे बाबा, वो तो शादी के पहले खाते थे चिकन करी और मटन करी, अब शादी के बाद सैफ खाता है चिकन करी ना, मटन करी ना, और वो भी विद पाव। मैडम, हम और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ सब्जी बेचते हैं। कौन 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 कौन? अब हम ना भाईजान के घर भी गए थे। कौन कौन? सलमान भाईजान। सलमान खान? हाँ, सलमान खान। हाँ, हमने बोला साहब हम 15 सालों से सब्जी बेच रहे, हमारी सब्जी ले लो। हाँ, तो कहने लगे 15 सालों से मेरा भरोसा सिर्फ वाइटल, जियो जी भर के। लेकिन मैडम एक बात कहें। हाँ, तीनों भाईजान के वजह से ना हमारा नींबू पानी का धंधा बहुत अच्छा चलता है। अच्छा? हाँ, वो कैसे? वो क्या है, सुबह सुबह तीनों कसरत करते हैं। हाँ, हम जाते नींबू फंसा देते, फचा पूरा रस निचोड़ लेते हैं। ओह वाओ, चल चल बाय। यानी तुम यानी बैंड्रा तक जाते हो अपनी सब्जी बेचने? हैं नहीं, बैंड्रा तब जाते जब हमारे पास तराजू नहीं होता है। क्या कनेक्शन? क्यों? मतलब वहाँ पे क्या संजू बाबा मिल जाते हैं, बहुत मदद करते हैं। संजू बाबा? वो कैसे? हम उनके हाथ में सब्जी रख देते, तोल के बता देते, ए माँ ये आलू 1 किलो, ये कांदा 50 ग्राम, ये धनिया इतना, ये उतना, ए तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा 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 लोगे, तम्मा। और मैडम हम शत्रु जी के यहाँ भी जाते हैं। शत्रु? हाँ, शत्रु कंचना। हाय हाय हाय। हाँ वही वही वही। हाँ, उनके यहाँ एक बार हम गए, उन्होंने बैगन हाथ में उठाया, उसका भाव पूछने लगे, बताओ बताओ ये बैगन कैसे दिया, बताओ बताओ बताओ। बोले साहब अभी बैगन तो बचा नहीं, इसका भरता बन गया है। मैडम आप हमारे बारे में पूछते जा रही हैं। हाँ, अपने बारे में भी कुछ बताइए, आप इस मोहल्ले में नई नहीं आई हैं? अरे मैं वो हूँ जिसका इंतजार हिंदुस्तान कर रहा है, फ्यूचर स्टार हूँ मैं, स्टार, बस एक बार फिल्म स्टार बन जाऊंगी, फिर देखना आमिर, शाहरुख, ऋतिक, सबकी जबान पे मेरा ही नाम होगा, दुनिया मेरे साथ नाचेगी। डेमो देखा मेरा डांस का डेमो? बस 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 बस, यही ख्वाब लेकर ये भी बाबा आदम के जमाने से इन पत्थरों पर बैठी हुई है। चुप कर, दो टके के सब्जी वाले, तेरी औकात क्या है फिल्म इंडस्ट्री की एक्स्ट्रा से जबान लड़ाने की? औकात की बात नहीं करना मैडम, औकात की बात नहीं करना, कपड़ा मत निकाल। बहुत टैलेंटेड आदमी हम, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हाँ, शायरों के खानदान के आखिरी असली चिराग हैं हम, दुनिया का कोई ऐसा मौजू नहीं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिस पर हम शायरी ना सुना सके। हाँ, मिसाल के तौर पर हमने न्यायाधीश पर शेर लिखा कि दिल में उनकी हमारी चाहत का दिया नहीं जलता। ख्याल देखिए सोहेल साहब, लैंप लाइटनिंग ऑन द हार्ट, दिल में उनकी हमारी चाहत का दिया नहीं जलता। हाँ, तारीख पे तारीख मिलती है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। हेलो एक्सक्यूज मी, अपनी 2 टके की शक्ल और सब्जी का ठेला उठाओ, अपनी 2 टके की शक्ल और सब्जी का ठेला उठाओ, वरना सैफ को बुला के मैं तुम्हारे ही निकलवा दूंगी। वाओ वाओ वाओ। आशिक ऐसा बनो के दर पे सनम के पड़े रहो। हाँ, आशिक ऐसा बनो के दर पे सनम के पड़े रहो। हाँ, और जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो। अरे पागल, तेरे जैसे आशिक मेरे दिल में जगह ना बना पाएंगे, तेरे जैसे टच आशिक मेरे दिल में ना जगह बना पाएंगे, और मेरे दोनों हॉट बॉयफ्रेंड करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। तेरी जुदाई में आंसुओं की माला हूं मैं बुनता,
तेरी जुदाई में आंसुओं की माला हूँ मैं बुनता। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अरे क्या क्या मुझसे मुंह लगाया ना तो उल्टी हाथ के खाएगा, खामखा खराफत में ये मामला बढ़ जाएगा। खाकू खाकू दिल ले लिया मेरा, दिल दोगे या नहीं? चार मन कमाल करती, तुम साइन करोगे या नहीं? तूने अगर मुझसे पंगा लिया ना तो उल्टे हाथ की धर दूंगी, और रचना जी को अच्छा लड़का मिला तो शादी कर लूंगी। सोनाली कुलकर्णी, सोनाली कुलकर्णी, दिल ने तेरी तस्वीर बना दूं एकदम हूबहू। जस्ट से इट रघु, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये मेरा वाला है। हाँ, जानते हैं। अर्चना जी, अतामा जी, सटक ली, क्या करूं? क्या करूं बोलो, बता दूं? दिखा दूं इसको? हाँ। इसको दिखा दूं? ए निकुल गांडा, देख, मैं तुझ पे विश्वास करती थी। और जब तू मुझे रिक्वेस्ट करता था तो खोपचे में प्यार नहीं करती थी। अरे आज रेमो सर आए हैं, सोचा था इनको इम्प्रेस करूंगी, लेकिन अब तो धज्जियां उड़ गई। अरे रेमो सर बोलेंगे, वाह पूर्वी तोड़ी ना की बोड़ी ना की भागी ना भुक्को करी ना क्यों। अरे बोल, तेरे से मिस्टेक हो गई। I have to tell Purvi that I love you, Purvi. And I have to say that I love Purvi too. Remo, aap is multi-talented jodi ke baare mein kya kahenge? Both of them, Mubeen and Purvi, superb. Yaar. I mean, 2 minute ke liye bhi mere gaal ruk nahi raha. I mean, niche nahi aaye, pure ekdam strain aa gaya. Main thak gaya main hans hans ke. Purvi, you are fantastic. Yeah. Thank you. What timing and what body language you have. Thank you. Outstanding you are. Thank you. And Phalnayak ji, you are also fantastic. I loved it. Todi na kyo, bhangi na kyo, bhukko kare na kyo. Thank you so much. Thank you. Archie, जब ये act शुरू हुआ मुझे लगा ये अच्छा जा रहा है, ठीक ठीक है, फिर थोड़ा मैंने सोचा ये तो अच्छे से ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है। मुबीन, आपने जो यहाँ पर दर्शाया है, इट गोज टू शो दैट कॉमेडी सर्कस मौके देता है, यदि आप हार्डवर्क करें और डटे रहें तो आप फल स्वरूप ये पा सकते हैं, जो कि मैं देने वाली हूँ विदाउट एनी डाउट। थैंक यू। 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। थैंक यू सोहेल। इट वाज अ ट्रेमेंडस एक्ट एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओह थैंक यू। 10 पॉइंट्स फ्रॉम सोहेल एज वेल। थैंक यू। रेमो, आपसे एक दरख्वास्त है, हाउ अबाउट यू कम अप ऑन स्टेज, द किंग ऑफ हिप हॉप एंड लॉकिंग एंड पॉपिंग। विपुल शाह के पार्टनर संजीव शर्मा को कॉमेडी सर्कस के मंच पर लेकर आ रहे हैं कृष्णा एज विपुल एंड संजीव शर्मा, अपने आज के पार्टनर सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स के साथ। सर ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ। ए हटना सस्ते आदमी, हट, पहले इधर बात करने दे, पहले इधर बात करने दे, हट। कैसे लगे छोले भटूरे? बहुत बढ़िया है। मजा आ रहा है? बहुत मजा। थोड़ा इधर भी खिला दीजिए इनको। बाद में। इन्होंने जो 15 दिन पहले बिरयानी मंगाई थी तब से वही खा रहे हैं बेचारे। और सलमान भाई क्या हाल है? क्या बात है, दुनिया का पहला सलमान है जो सोहेल से ऑटोग्राफ लेने को आया है। हाँ भाई, क्या था आपका? सर ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ। कितनी ओवर एक्टिंग साले, इतनी घटी एक्टिंग करते हो साले, तभी राइटर ही रहोगे तुम लोग। क्या चाहिए? 2 ऑटोग्राफ मुझे। अरे सर आप, अरे मैं गुजराती हूँ भैया, मैं किसी को कुछ नहीं देता। अरे सर चलो फिर भी तुम्हें दे देते हैं बेटा, गरीब आदमी हो। क्या बात है, ये क्या पहने की सिकंदर खेर चली नहीं रहा ये। बहुत बढ़िया, क्या बात, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा पेन। ओ सॉरी यार। अरे सर मेरे क्या क्या, मेरे आंखों के आगे अंधेरा हो गया सर। अंधेरा हो गया बेटा, हमने बहुतों को अंधेरे में रखा हुआ है, चलो भागो यहाँ, भागो। क्या बात, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ विपुल शाह, इस शो का प्रोड्यूसर। हे निकुल गांडा, ये तीसरा जज बुला लिया तुम लोगों ने। अरे इसकी पेमेंट बचा बचा कर मैंने मीरा रोड में फ्लैट लिया, तीसरा जज बिठा दिया तुम लोगों ने। अरे बिठा दिया तो बिठा दिया, सदाशिव अमरापुरकर को दाढ़ी लगा के बिठा दिया तुम लोगों ने। क्या रेमो है, फ्री में आया है? अरे तो सर से 4-5 एपिसोड की डेट लेते यार तुम लोग फिर। हाँ ओ सॉरी सर। अरे रेमो, अरे पहचाना नहीं मैंने आपको। क्या बात है, हमारे शो पर आए, एक बार जोरदार तालियां। ABCD क्या बात, ABCD की प्रमोशन करने की जरूरत है, बच्चे बच्चे को बताए ABCD के बारे में। खैर थोड़ी चाय लेंगे, थोड़ी सी नहीं, ना मत बोलिएगा, 1 कप आधी आधी पी लेंगे हम लोग। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, कंजूस नहीं हूँ मैं,
वो क्या है ना, हमारे प्रोडक्शन में एक ही कप है। हाँ, पहले उसमें सोहेल भाई चाय पी लेते हैं, फिर वो कप हम धोते नहीं, फिर अर्चना जी उसमें चाय पी लेती है, फिर जब ये पीती है तो तेजाब से आधा घंटा धोना पड़ता है उसको, फिर जाके हम। कैसा लगा मेरा डांस आपको रेमो सर? मैं काफी कुछ जानता हूँ रेमो सर डांस फॉर्म्स के बारे में। जी पासा डोबले आप बहुत अच्छा करते हैं। पासा डोबले की इजाद ACP डोबले जी ने की है। जब वो पास बुला बुला कर डंडे मारते, ऐसा डांस करता है ना आदमी, उसको कहते हैं पासा डोबले। एक और डांस फॉर्म है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, सांबा। सांबा की इजाद सोहेल भाई के घर से हुई, इन्हीं के डैडी ने की। मतलब सांबा में कितना भी अच्छा डांस कर लो, 50,000 रुपए से ऊपर कुछ नहीं मिलता। खैर, मैं विपुल, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इतना फेमस हो चुका हूं ऑल इंडिया, लेकिन मेरे पार्टनर को कोई नहीं जानता, मिस्टर संजीव शर्मा। आज से 15 साल पहले हमने ऑप्टिमिस्टिक की इजाद की थी, तो आज मैं आपको संजीव शर्मा जी की जर्नी दिखाऊंगा। जोरदार तालियां संजीव शर्मा जी के लिए। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर किधर है? डॉक्टर, लगता है संजीव पैदा होने वाला है। डॉक्टर, और डॉक्टर को रेमो, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ सच्ची में। एक बात बताओ, आप दाढ़ी मूछ निकालोगे ना तो बिल्कुल सिद्धार्थ जादव लगोगे। लगता है संजू ने लात मार दी, लगता है बड़ा होके ना जाने कितनों के पेट पे लात मारेगा संजू। डॉक्टर, 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 कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? क्या प्रॉब्लम है? किधर गया तू डॉक्टर? किला चिल्ला रही हूँ मैं? चिल्ला क्या को रही है? चिल्लाने से तो सांस फूटती है, आपका पेट कैसे फूल गया? अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट तो मेरे को क्या को चिल्ला रही है आप? मैंने ये सब काम छोड़ दिए, मेरे को क्या को बोल रही है आप? अरे नहीं, मैं डिलीवरी करवाने आई हूँ। ओ डिलीवरी, ऐसा बोली ना। अच्छा, तुम लोग घर पे आके भी डिलीवरी करवाते हो? घर पे आके क्या मतलब? मैंने सुना होम डिलीवरी फ्री होती है। फ्री होम डिलीवरी? बताइए, आपको बच्चे में एक्स्ट्रा चीज चाहिए? टॉपिंग्स कौन कौन सी चाहिए? वेज बच्चा, नॉन वेज बच्चा? मतलब क्या, इधर पिज्जा खाने के लिए आइए क्या? बच्चे की डिलीवरी करनी है ना? हाँ। इधर ही बच्चे की डिलीवरी होगी मैडम। ओके, जल्दी करो, 9 बजे मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। तो एक काम करो, बर्थडे पार्टी में आप जाकर आओ, उधर बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। कैसे? अगर आपको खाने पीने को नहीं मिला, हाँ, तो आपका पेट तो पहले से भरा हुआ है। हाँ। और अगर टूटे से बच्चा वहाँ पैदा हो गया तो फिर केक वहीं काट लेना फ्री में, नया केक मंगाने की जरूरत नहीं संजीव के नाम पे। नहीं नहीं नहीं, मेरे को बुलाया तो मैं अकेली जाऊंगी, दो दो लोग अलाउड नहीं है। अच्छा, आपके पास ज्यादा पंच है नहीं फिलहाल, आप आइए, आपका ऑपरेशन कर लेंगे। आइए मैडम। क्या बात, क्या बोलता है बच्चा? अरे मैडम, बच्चे का तो प्रॉब्लम है क्या? ये ना बहुत प्लानिंग वाला बच्चा है, यानी हर काम बड़ी प्लानिंग से करता है। ओहो, क्या बोल रहे हो? प्लानिंग से मतलब? हाँ, ये कह रहा है कि मैं 10:37 पे बाहर आऊंगा। अच्छा, 10:37 को कितना टाइम है? 10:37 को मैडम अभी 10 मिनट होने वाले, क्या करें यार? 10 मिनट उसको बोलो, 10 मिनट पहले दुनिया में आएगा तो उसका कुछ बिगड़ेगा क्या? एक मिनट, कुछ कह रहा है? हाँ, ये कह रहा है मैडम मैं लड़का हूँ इसलिए आप इतनी जल्दी कर रहे हैं, अगर लड़की होता तो इतनी जल्दी नहीं करती आप। सटायर मार रहा है, एक फटका मार उसको। मैं नहीं चाहती मेरा संजीव बड़ा होके मंत्रा बने। देखो किस मनुष्य का नाम ले रही है मैडम आप एक्ट के अंदर, प्लीज हमारा एक्ट वैसे खराब हो जाएगा। 10 मिनट पूरे हो गए, मैं अभी पैदा करता हूँ संजीव को। वाह वाह वाह, ये क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या आशावादी बच्चा पैदा किया आपने, ऑप्टिमिस्टिक बच्चा है। अरे मैडम ये लीजिए, आपका गर्मा गर्म बच्चा। अरे बच्चा दिया है, जिलेबी दिए? अरे मैडम ये चिट्ठी लेके पैदा हुआ है। चिट्ठी लेके? एक मिनट। ओहो, अरे अरे मैडम, ये तो बहुत प्लानिंग वाला बच्चा है। क्या लिखा है? ये अपनी पूरी लाइफ की प्लानिंग करके आया है। हा? कहते मैं 9 बजे दूध पीऊंगा, 11 बजे मैं पावर नैप लूंगा, और कहता है रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। क्यों? क्योंकि ये चाहता नहीं कि इसके घर में एक और भाई पैदा हो, क्योंकि बंटवारा हो जाता है ना। अब बड़ा होकर ऑप्टिमिस्टिक कंपनी खोलने वाला है, विपुल के साथ काफी काम में बंटवारा होगा पैसे का, तो घर में नहीं चाहता है। चलो मैडम मैं चलता हूँ, फिर मेरे को बहुत काम। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने का, आपने इतना डिलीवरी किया, आपने पैसा कितना हो गया? अरे पैसा तो बहुत हो गया मैडम, लेकिन आपके बोलने से क्या होगा, जब तक ये आदमी चेक पे साइन नहीं करेगा तब तक हमको पैसा थोड़ी मिलेगा, है कि नहीं? देखो 10:30 बज गए, रो गया। हाँ। सुसु भी कर दिया 10:30 बजे। अरे देखो घड़ी नहीं है लेकिन लीकेज बराबर टाइम पे करता है। अच्छा बेटा रुको, मैं जूस पिलाऊंगी तेरे को, बाय रेमो, बाय बाय रेमो, आ जा, आ बेटा, आया मैं, आया बेटा। क्या बात है, एक बार संजीव जी के लिए जोरदार ताली पैदा होने पे। मेरा सोहेल भाई कोई आम हॉस्पिटल नहीं, बड़े बड़े लोग आते इधर। खैर एक बार ये रेमो साहब भी हमारे पास आए थे, कहते हमारे दाढ़ी है ना वो जरा शेव करवानी है। बोले ये कैसी बात है, कैसे आदमी शेव कराने, तो हजाम के पास जाओ, डॉक्टर के पास नहीं किया जरूरत है।
कहते नहीं परमानेंट करवानी है। वो ज्यादा हमको तो मालूम नहीं, डॉली बिंद्रा से पूछो, उसने जिधर से कराया रहेगा उधर से आप करा लो। खैर मेरे को बहुत सारे मरीज लोग को देखने को जाने का, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। और इसी तरह ये बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होकर जवान हो गया, और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हर जवान को इंतजार होता है, शादी। और शादी के बाद सुहागरात। हाँ जी प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है? हाँ जी खुशियां ही खुशियां, प्रणाम जी प्रणाम, क्या हाल है? क्या बात है, आज मेरी सुहागरात है। अय हाय खुशियां ही खुशियां जी, हैप्पी लोहड़ी, क्या बात है। कल मैंने फेरे लिए तो 25 साल की लग रही थी, एक ही रात में 65 साल की कैसे हो गई ये? हेलो बीवी इधर है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्या फ्लैट खरीदा था ना कल मैंने, मैंने तो एक दिन में डाक बंगला कैसे बन गया। अच्छा इतने लेट क्यों आए? वो क्या है ना, मैं हर चीज प्लानिंग से करता हूँ ना, तो 10:30 बजे मेरे को अंदर आना था, 10:35 पे मुझे कड़ी लगानी थी। अच्छा चलो ठीक है, चलो दूध पी लो अभी, चलो। नहीं नहीं अभी नहीं, वो कमाल करती खुशियां ही खुशियां जी, हैप्पी लोहड़ी। मेरा अभी 10:32 पे दूध पीने का टाइम, अभी नहीं, प्लानिंग वाला आदमी हूँ। 10:32 के दूध पियोगे? हाँ। तो 10:35 को लस्सी भी पी लेना। What do you mean? ये बार बार टाइम टाइम करके मेरी दिमाग की दही की है, अभी तेरे को लस्सी पिलानी पड़ेगी। ओए एंजॉय बैंको गोवा। ओए ओए तो मेरे लिए गिफ्ट क्या लाए हो? गिफ्ट गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए आईफोन लाया हूँ। लुक एट दिस द न्यू टेक्नोलॉजी, आई एम अ यूट्यूब बेबी। यस आईफोन। यस अच्छा आग को लगा के फोन करते हैं। हेलो ए बर्बादियां ही बर्बादियां कर रही मेरी, आईफोन आंख में लगा के बात करेंगी क्या? चलो पीजे बोलो एक अच्छा सा। पीजे पीजे हाँ मुझे कई सारे पीजे आते हैं, तो पता कैसे चलेगा मैं संजीव शर्मा। एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो लाल रंग की होती है और ट्रिंग ट्रिंग करती है? टेलीफोन। नहीं टमाटर। टमाटर की तो ट्रिंग ट्रिंग करता है। अरे ट्रिंग ट्रिंग तो मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोला था। ओए हैप्पी लोहड़ी हैप्पी लोहड़ी। ओए ओए ये कौन है तीनों बैठे? दो आदमी है और एक अर्चना है। और वो रेमो है? हाँ। ओए ओए रेमो, रेमो के लिए जोरदार तालियां। ओए बल्ले बल्ले हैप्पी लोहड़ी, क्या हाल है जी? क्या बात है, अकेले आए आप? बाकी सबको नहीं लाए साथ में? गणेश आचार्य को नहीं लाए? अरे कमाल करते, इन्होंने देखिए बहुत अच्छा किया है। जैसे गणेश आचार्य फिल्म डायरेक्टर, उसे फिल्म में चांस दे दिया। प्रभु देवा फिल्म डायरेक्टर, उनको भी ले लिया था। सुहेल भाई जब ये डायरेक्टरों की कास्टिंग कर रहे थे आप कहाँ चले गए थे? मेरा मतलब बताइए ना, इधर से। खैर मैं बताइए, आप गणेश मास्टर को साथ लाते बड़ा अच्छा लगता। मैंने खास आप लोगों के लिए 3 कुर्सी और उनके बैठने के लिए बेड मंगवाया था। नहीं आप सोच रहे हो उनके बैठने के लिए बेड क्यों? अरे भैया जिस आदमी को सोने के लिए पूरा जू बीच लगता हो वो बेड पे नहीं बैठेगा क्या? कल तो बेचारे जू बीच पर सो रहे थे सच्ची, 2 व्हेल मछली आके आपस में बात करने लगी, कहती बहन किस टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारी बुआ खुलेआम रेत पे सन बात ले रही है। मैंने एक दिन उनको पूछा आपकी एकेडमी कहाँ है, कहते पीछे ही है। नहीं मतलब बिल्डिंग के पीछे नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे खास दोस्त हैं, मैं घर पे बुलाता हूँ उनको हर पार्टी पे, इतना नाचते ना हम लोग उनके ऊपर। मैं खैर कुछ खैर फिर नहीं, इतना टाइम पास किया। अरे सबसे मेन बेस्ट टाइम पास यही था बेटा, तेरे को तो पता तुम जाओ, तुम डुप्लीकेट जाओ, मुझे असली संजीव शर्मा चाहिए, फिर आ जाओ तुम वहाँ। असली संजीव शर्मा? हाँ पक्का? हाँ एक मिनट अभी बुलाता हूँ। नहीं अभी नहीं आएंगे, टाइम पे देखो। संजीव शर्मा जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। एंजॉय बैंकॉक गोवा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये आदमी कोई भी काम अकेले नहीं करता, विपुल के साथ करता है, संभाल लेना। जोरदार तालियां कृष्णा और सिद्धार्थ के लिए। अर्चना, how did you like this performance? पहली बार I think जनता को देखने का अवसर मिलेगा कि वो संजीव शर्मा कौन है जिनके बारे में इतनी बातचीत होती है और जिनको इतनी बार दर्शाया जाता है। संजीव वेलकम टू योर शो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको मंच पर देखकर। Would you like to say a few words? The only thing I want to say about the show is that it's my favorite show and I'm the lucky fellow who gets a DVD one day before it gets telecast. Ah yes. I think ये एक्ट और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी रिहर्सल में कमी रह गई थी। क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? थोड़ी रिहर्सल शायद संजीव बनना मुश्किल है। ओहो इट वॉज एन एंजॉयबल एक्ट, लेकिन मैंने बहुत बहुत इससे बेहतर देखा है आप दोनों से, थोड़ा सा हल्का रहा। बट कृष्णा आपने जो स्टैंड अप किया यहाँ पर और जो
कोरियोग्राफर्स की तारीफ की है, अब मैं सुनना चाहूंगी कि ये क्या कहते हैं उसके बारे में। रेमो, मैं तो हर एक मोमेंट इंजॉय कर रहा हूँ इस शो का और इस एक्ट का भी। मैं वैसे ही कृष्णा का बहुत बड़ा फैन हूँ, उसकी कॉमेडी का। एंड सिद्धार्थ सही का, अगर मैं क्लीन शेव करूँगा तो मैं आपके जैसे ही लगूंगा। आउटस्टैंडिंग गाइज, यू गाइज आर सुपर्ब, सुपर्ब। सोहेल, बिफोर वी स्टार्ट एनी कमेंट्स, आई वुड लाइक एनी कैमरा जस्ट टेक अ क्लोज अप ऑफ संगीना। एक बार वो क्लोज अप आ जाए और फिर सिद्धार्थ, मतलब जो भी मतलब, और फिर उसके बाद 500 एपिसोड से जो भी हमसे नाराज है, क्या बोलता है कि हमारा कोई मजाक उड़ाता है, तो ये कंपैरिजन देखने के बाद जो मैं स्टेज पे देख रहा हूँ, जहाँ मैं पहली बार नीचे देख रहा हूँ, इसके बाद बोलते ना कि वो जो पिक्चर बनाई थी फैबुलस फिल्म सात खून माफ, उसके बाद ये सात खून माफ है यार, वो सातों खून सिर्फ इसी के होंगे। ऑन द होल एज एन एक्ट इट वाज जस्ट फैबुलस। तो सोहेल, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 9। 9 पॉइंट्स फ्रॉम सोहेल एंड 9 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। Please welcome Kapil as a photographer, अपने आज के partner Rajiv as a struggling model के साथ। Oh my God, Remo! अरे आप वही है ना जिन्होंने फिल्म बनाई थी फालतू? मैं नाम भूल गया, फिल्म का क्या था? फिल्म का नाम ही फालतू है। फालतू का नाम लिया, दूसरा फालतू बोल पड़ा तेरे को क्या बे? मजाक भी नहीं समझता तेरे को, डायरेक्टर किसने बनाया? सर जी सल्यूट है आपको, बड़ी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे, मेरे को बताया बड़ा भीड़ थी बाहर। मैंने देखा इतनी मेहनत की इस आदमी ने, इतनी मेहनत, रंगीला फिल्म मैंने देखी है, उर्मिला के पीछे आप नाच रहे थे ना, कितना जोर लगा के बंदा डायरेक्टर बन ही गया। और उर्मिला देख लो, कल भी स्टार थी आज भी स्टार नहीं है। सर जी मैं आपको इतना सल्यूट करता हूँ, आप कितने मेहनती आदमी है, आपने डांसर लोगों को लेके फिल्म बना ली, कई डायरेक्टरों के पास तो एक्टर पड़े हुए हैं शुरू नहीं करते। खैर मैं ये नहीं बताऊंगा मसला क्या है, कभी फुर्सत में बैठोगे बताऊंगा आपको क्या चक्कर हुआ। ये समझ लो कि किसने दूल्हे को बेड पे चढ़ा दिया स्वागत वाले दिन, दुल्हन नहीं भेज रहा बस। हम आपकी फिल्म की बात करते हैं, आपकी फिल्म का नाम है ABCD, एनीबॉडी कैन डांस, एम आई राइट? ये सही किया आपने, सोहेल भाई को तो तसल्ली मिल गई सुनके, एनीबॉडी कैन डांस। क्योंकि जब ये पहले दिन आए थे सारी रात लगे रहे, पूरा स्टेप नहीं हुआ एक डांस का। पर जेन्युइन आदमी है, स्वीट आदमी है, सारी रात निकल गई लेकिन गलत स्टेप नहीं उठाया। अगले दिन भले ही सुबह हो गई थी लेकिन सुबह जाके इन्होंने बोल दिया कि मेरे से नहीं होगा। होता है रेमो, आपके शो में मैं देखता हूँ आपका शो, डांस वाला शो ना, आई लव दैट शो। मेरे को मैं एक चीज समझ में नहीं आती, लेकिन आपके शो के बाद जब आपसे कमेंट लेते हैं कि बच्चे ने कैसा डांस किया, उसके बाद मिथुन दा से क्यों पूछते हैं? आपको अपने डिसीजन पे विश्वास नहीं होता कि यार मिथुन दा पहली बार में गलती नहीं पकड़ पाते? मैंने बड़ी बार देखा मिथुन दा को काफी इंटरप्ट करते हैं आप लोग, बीच में खड़े भी हो जाते उठ के, क्या बात क्या बात, फिर सियाने आदमी है बताते क्यों नहीं बात क्या है, इनको बता दीजिए आप साइड पर ले जाके। बीच में खड़े होकर ग्रैंड सल्यूट भी कर देना, मेरे को लग ही नहीं रहा डांस शो, मेरे को लगता 26 जनवरी की परेड में आए। बीच में खड़े हो जाते हैं, तीन चार बार तो डायरेक्टर ने रोड़ा, कहते चचा घोड़े निकल गए 26 जनवरी वाले, अभी बैठ जाओ चलता है। सर जी आपने उस शो में कितने साल गीता माँ के साथ बैठे, तो आज एकदम से गीता माँ के अलावा भीष्म पिता माँ के साथ बैठे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, इंजॉय कर रहे हैं? खैर मैं बातों बातों में बताना भूल गया, मेरा फोटो स्टूडियो है, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे फोटो खिंचवाने आते हैं, हम लोग लोगों का बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो करते हैं, भगवान बस ऐसे ही काम चला ही रखे। ये आप देख ही रहे हैं सारी फोटो में, इनमें से मैंने कोई नहीं खींची। ओह माय गॉड, दरियाई घोड़ा चलता हुआ पहली बार देखा मैंने। भाई साहब सॉरी माफ करना सर, आप पहली बार हमारी दुकान पे हैं? वो रहा टॉयलेट। ओके टॉयलेट क्या, पहली बार कोई आता है तो खाने पीने के लिए पूछते हैं। अच्छा जो पहले फटने वाला तेरे को और खिला पिला के फर्श खराब कराने अपना। तमीज से बात कर, ये बता तुम मेरा पोर्टफोलियो कर सकते हो? यस सर, मैंने कितने कितने लोगों का पोर्टफोलियो किया है, इनका तो नहीं खैर, लेकिन मैंने बड़े बड़े लोगों को स्टार बनाया मैं। आपको पता विजय काल्या? हाँ हाँ हाँ, लिंक फिशर एयरलाइंस वाला। ओके उनका हर साल जो कैलेंडर छपता है ना, यस वो मैं ही छापता हूँ, मैं ही फोटो खींचता हूँ। इस बार थोड़ा मेरा झगड़ा हो गया इनके साथ। क्यों? ऐसे ही मेरे को कहते जून के कैलेंडर में जो मॉडल आएगी ना तो उसके कपड़े थोड़े छोटे रखना, तो मैंने कहा तेरी दिसंबर वाली कौन सा कंबल ओढ़ के आती है बे, बड़ा क्या बस इतनी सी बात पे। सर एक बात बताइए और क्या करते हैं आप, मॉडलिंग के शौक के अलावा क्या करते हैं आप? एक्चुअली मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है, लेकिन मैं मॉडल बनना चाहता हूँ। लेकिन पापा कहते तू मॉडल नहीं बन सकता। मुझे बस अपने पापा की बात गलत साबित करनी है। पापा की बात गलत साबित करनी है? देखो पैदा होकर तुमने प्यार तो साबित गलत कर ही दिया उनका,
बाकी रही बात की बात, तो बात भी गलत साबित हो जाएगी, उसमें क्या है? तुम ये बताओ कि कितना खर्चा कितना आएगा? मैंने एक्चुअली 50 फोटो करने हैं। ओके। अलग अलग एंगल से। अलग अलग एंगल से। देखिए मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी लिया तो नहीं लेकिन मैं ट्राई करूंगा। आज से पहले क्या मैं शादी वगैरह की फोटो खींच रहा हूँ, आपको पता है ये अर्चना मैडम है ना, इनकी शादी की फोटोग्राफी मैंने की, बड़ी कमाल की शादी थी। बारात इतनी लेट आई, मैंने दूल्हे से पूछा परमीत से, मैंने कहा भाई साहब इतनी लेट, कहता सारी रात सब्जियां काट के गया हूँ, सुबह लेट ही आऊंगा। ऐसा होता है शादियों में। उसके बाद जूता चुराने वाली रस्म होती ना, हाँ हाँ, मैडम खुद ही जूता चुराने बैठ गई, खुद ही दुल्हन खुद ही जूता चुरा रही, कहती है मेरी बहन नहीं है तो मेरा क्या कसूर, 500 हाथ से क्यों जाने दें। फिर लड़के वाले कहते 500 ले लो जूता दे दो, कहते 2000 के जूते 500 में कैसे दें, मैंने पहन लिए थोड़े टाइट हैं, चलूंगी तो ठीक हो जाएंगे। ऐसी हरकतें होती हैं हमारे साथ। अर्चना जी की बात छोड़िए, मुझसे बात कीजिए, कितना खर्चा कितना आएगा? देखिए आपकी एक फोटो खींचनी है ना, उसके लिए भी मल्टी कैम सेटअप लगेगा और एक ऊपर से जिमी जीप लगेंगे, वो जिमी जीप जानते हैं आप, वो एटीट्यूड वाला कैमरा जो हवा में रहता है। ओके ओके। अब उससे आपका कम से कम नहीं तो 5 लाख का खर्चा आएगा आपका। 5 लाख बहुत ज्यादा है यार। ए तू नैना है, तेरे को 5 लाख ज्यादा लगता है, हमारा करोड़ों फंसा है पूछ ले। इसलिए देख तेरे को बात बता रहा हूँ। जी बताइए। अच्छी फोटो खिंचाएगा, अच्छी फिल्म में काम मिलेगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। ओह वाह, इसका मतलब आपकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी वाकफियत है। देखो मिलनी होगी ना ऐसे ही मिल जाएगी, वाकफियत से कुछ नहीं होता, समझ रहे? हम लोग इधर लाइव परफॉर्मेंस कर करके मर रहे हैं, हमें तब नहीं मिल रही, तू फोटो के सारे फिल्म लेने चला है, बनाया तू, ऐसे नहीं होता है। और तुम्हें पता नहीं, मुझे सुहेल खान प्रोडक्शन से ऑफर आया। क्या? सुहेल खान प्रोडक्शन से ऑफर आया मुझे। शेर खान तो मैंने सुना था, गैंडे का तो कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। चलो खैर छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना, वो जो मर्जी बनाए, हमारा अपना काम चल रहा है। देखो तुम्हारी यहाँ कुछ अलग अलग, पहले मेरे जो डेमो फोटोग्राफ खींचनी पड़ेगी, अगर ठीक लगी तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ठीक है, कोई अच्छा सा पोज बनाओ। चलो आओ। ये क्या पोज है बे? ऐसा लग रहा है भैंस का शादी के बाद पहला सावन है। What is this? कोई अच्छा सा पोज बनाओ यार। This is not well. तो अच्छा सा पोज बनाओ। I'm model. ये देखो। सावन वही है, भैंस बदल गई है। What is this? ए देख, ये फोटो तेरे काम की नहीं, तेरे साथ कुछ अलग करना पड़ेगा। देख वो मॉडल लोग करती ना, वो सांप गले में डाल के। हाँ हाँ हाँ। सांप तो तेरे विजिबल नहीं होगा। एक काम करते, अजगर गले में डाल के तेरी फोटो खींचता हूँ। क्या? क्यों? अजगर पता है यार, अजगर एक बार जकड़ ले तो इंसान की हड्डियां तोड़ देता है। तो तेरे को किस चीज का डर बे? जकड़े का तब ना जब पूरा इंची टेप यहाँ पे खत्म हो जाएगा उसका। आगे 1.5 लीटर पेट आगे खाली पड़ा, क्या है? नहीं, खा ले उसके, फिर क्या है? रिस्क नहीं लेना भाई, ऐसा करो कोई और तरीका बताओ। एक काम करते, अजगर के साथ ही जाने तुझे, एक हॉट मॉडल बुलाता हूँ मैं। यस। नदी किनारे खड़ा करके ना तुम्हारे ऐसे ऐसे पोज खींचूंगा, मजा आ जाएगा तुम लोग। टाइटैनिक। टाइटैनिक का नाम क्यों ले रहा बे? एक फोटो में दो दो जहाज आएंगे, अच्छा लगेगा। तेरा अलग से करेंगे, तेरा पोज होगा ये वाला ऐसे करके। ओके, इधर तेरे चील आगे बैठेगी, इधर कौवा, मैं फोटो खींचूंगा, मेरी वाइल्ड फोटोग्राफी भी हो जाएगी साथ में। वाइल्ड फोटोग्राफी भी करते हो? वाइल्ड करता हूँ, मैंने अभी थोड़े समय पहले मैंने जंगल में गया वाइल्ड फोटोग्राफी करने, मगरमच्छ दिखा, मैंने फोटो खींची, मगरमच्छ ने यूं किया, अबे मैंने कहा स्टील फोटोग्राफी फिल्म नहीं, क्लैप क्यों दे रहा है? वो मेरे पे भड़क गया, उसने 3-4 जगह क्लैप दिया मेरे, यहाँ भी 3 महीने में अस्पताल में रहा हूँ, मेरे बड़े बुरे निकले। आपके लेकिन अच्छे हैं भाई, 3 महीने इधर जज, 3 महीने उधर। क्या खिलाते क्या प्रोड्यूसर को, किधर भी जाने देता, हमारा तो कहीं जाने नहीं देता। आइए फिर आपकी फोटोग्राफी करते हैं। नहीं नहीं, तुम उधर बात छोड़ो, मुझसे बात करो यार, रमो सर तो फिर भी आ जाएंगे। ये कहाँ आ जाएंगे, तू तो इधर ही पड़ा रहता है गोदाम में, वो तो कभी कभी आते हैं, पहली बार आए। ऐसे कैसे, तुम्हें पता है यहाँ पे आने के लिए पूरी फिल्म बनानी पड़ती, तब जाके मौका मिलता है वहां बैठने का। यार तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? क्यों बेइज्जती कर रहे हो यार, मुझ में कमी क्या है? कमी तेरे में कोई नहीं, तेरे में खूबी है। हाँ, तू सांस लेता है। आया बड़ा तू फिल्म स्टार बनने हैं, अभी करता हूँ डिस्कवरी वालों को फोन, बोलता हूँ हाथी कोट पैंट पहन के घूम रहा है, चल निकल बढ़ाया तू फिल्म में काम करेगा। बकवास मत कर, मैं तू मुझे जानता नहीं, पुलिस कमिश्नर का बेटा हूँ। अबे चल बे, कमिश्नर होगा घर पे, क्या कहा? पुलिस कमिश्नर का बेटा हूँ मैं। इन लोगों के पीछे पड़े आप काम लेने के लिए, आप पता कितने टैलेंटेड आदमी है आप। भाई साहब हमारे स्पेशल गेस्ट है, आप लेंस में चाय पियो, इधर आओ, चाय कम हो जाए ना, ये चाय भरी पड़ी है, कम हो जाए तो जूम इन कर लेना, ज्यादा हो जाएगी, आराम से चाय पियो। किनके चक्कर में पड़े हुए आप? कमिश्नर के बच्चे हो आप, वाह वाह, आप कमिश्नर के बच्चे हैं, आप कहाँ पड़े हुए इनके? चाय बहुत टेस्टी है यार, लेकिन जब से पापा रिटायर हुए ना, ऐसी चाय नसीब ही नहीं होती। पापा रिटायर हो गए? हाँ। तेरी साले निकली जब से पापा रिटायर हो गए, तू बनेगा हीरो, तेरी शक्ल है साले, गमले जैसा मुंह तेरा, तू हीरो बनेगा, थप्पड़ मार के निकालो, निकल निकल जाने, बड़ा हीरो बने, लेंस खराब कर दिया मेरा। बकवास मत कर, मेरी मम्मी रूलिंग पार्टी की लीडर है। तो ये डायलॉग कैसे लगा कि आया बड़ा हीरो बनने, मारूंगा साले,
ये आपको बोलना है अपनी फिल्म में। अच्छा डायलॉग? हाँ आपको बोलना है, आपको बोलना है, आप बैठिए। ये आपका डायलॉग था, मैं आपको डायलॉग समझा रहा था। ओके ओके। हाँ मम्मी आप मेरे, आपको पता मैंने चाय के साथ बिस्कुट भी रखे, लिक्विड पी लो। आप तो यार ऐसे बिस्कुट तो भूटान से मिलते हैं यार, मेरी मम्मी लेके आती है। भूटान से क्यों लेके आती थी? मेरी मम्मी वहां की रूलिंग पार्टी की लीडर। उधर साले दगले थे तेरा, तेरी माँ भूटान में काम करती साले मोटे, तेरे को तोड़ के तीन पहाड़ियां निकला है, लोनावला भी बड़ा है तू, मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगा खबरदार, मेरे से फोटो खिंचवाने आया साले, तेरे को फोटो खींचनी नहीं आती। अबे चल बे, तेरे को क्या पता बड़ा है फोटो नहीं खींचने आती साले, ये देख फोटो खींचने, तेरे को बताऊं अपना काम है, हम लोग खानदानी पुश्तैनी फोटोग्राफर है, नहीं यकीन तो ये देख मेरे दादाजी ने फोटो खींची थी। ए माता जी याद है आपको, लाइव टैलेंट दिखा दो तेरे को अर्चना जी, ये तेरे को फोटो खींचता हूँ, देख अर्चना जी स्माइल करो जरा, ये देख टैलेंट दिखा दो तेरे को, बिना लेंस के फोटो देखाई कैसी, ये देख साले हमें पूछता है फोटोग्राफर कैसे, ये देख ये देखो, जब मेरे को तेरे से फोटो खींचनी तेरी, आपको अच्छा लगा फोटोग्राफर तो देख लो अपने हिसाब से, शुक्रिया। थैंक यू रेमो, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? कपिल यार कमाल कमाल करते हो, क्या आपका कॉमेडी टाइमिंग है और क्या आप बोलते हो कमाल है, आपके लिए तो मतलब थैंक यू रेमो भाई, थैंक यू, थैंक यू, फैंटास्टिक बोथ ऑफ यू। अर्चना, इस एक्ट में बहुत कुछ था और कुछ भी नहीं था, लेकिन फिजिकल कॉमेडी बहुत बढ़िया की राजीव आपने, वो जो गिर कर फिर उठकर, मुश्किल है करना इस वजन के साथ, देयर वर लॉट ऑफ पंचेस इन दिस एक्ट, और जो यूनिक कपिलिज्म जिसकी मैं दीवानी हूँ वो था इस एक्ट में। सोहेल, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, सो थैंक यू सोहेल भाई, वाओ एंड अ परफेक्ट एंड फ्रॉम बोथ द जजेस। रेमो, आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज है, अब आपसे मिलने इस मंच पर आ रही हैं माधुरी, तो माधुरी लेकर आ रही हैं रेमो के लिए कौन सा सरप्राइज, चलिए देखते हैं। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ परफॉर्मर्स। अरे रीटा, चंपा, कमला, अरे कहाँ मर गई तुम सब, तुम्हारे जीजू आए, कोई जलेबी बनाओ, कोई लड्डू बनाओ, मैं अपने हाथों से लड्डू तैयार करती हूँ। अरे नहीं यार, हम लोग तो कॉमेडी सर्कस के आर्टिस्ट हैं, इतने महंगे लड्डू हमारी किस्मत में कहाँ, ये लड्डू तो खाएंगे रेमो सर के स्टूडेंट, लीजिए ताकतवर लड्डू है। रेमो यार मेरे प्यार में इतना पागल है ये बंदा, इतना पागल कि मुझे मिलने के लिए कॉमेडी सर्कस तक आ गए, और इन्होंने मुझे मिलने के लिए फिल्म तक बना दी ABCD, ताकि ये फिल्म बनाए उसकी प्रमोशन के लिए कॉमेडी सर्कस में आए। सच कह दो, आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो ना रेमो? हाँ बोल दो कि आज भी, इधर फिर बीवी आई है, करते हो ना प्यार? सच यार, ये सच्ची दीवाना है, कहीं ये मुझे स्टेज पे आके नेल्स वेल्स ना मार दे, मैं चली जाती हूँ। रेमो कॉकरोच, मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश होकर यही कहना चाहूंगा, This is it. मैं आज सबको ये बता दूं, ये मेरा कोई अंदाज नहीं है, ये जब मैं स्ट्रगल के दिनों में रेलवे फाटक पे जॉब करता था, फाटक बंद कराने की, ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल, तो ये पुरानी आते। खैर ABCD, मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन करने आया हूँ आज। आज मेरी फिल्म की प्रमोशन हर स्कूल में हो रही है, बच्चा बच्चा मैडम के सामने खड़ा होके कर रहा है ABCD। जो बच्चा प्रमोशन ठीक नहीं करता, मैडम उसको मुर्गा बना देती हैं। आज इतना आप लोगों ने अगर प्यार दिया, अगर दुआई की, तो ये फिल्म सुपर डुपर होगी, अगर नहीं भी दी तो हिट होनी होनी, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई जोरदार मेरी फिल्म के लिए ताली। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में दो ही डांसरों का दिल से फैन हूँ, दूसरे नंबर पर प्रभुदेवा जी का और पहले नंबर पर सुदेश लहरी साहब का खुद, क्योंकि जो वो खुद करते हैं उनका भी एक अपना अंदाज है। और आपने सबने मेरा प्रोग्राम देखा होगा, गलत नाम तो कोई और है हम बोल नहीं सकते, उसमें ये अपनी आपके शो की बहुत सुपर हिट डांसर भारती सिंह आई थी, बहुत ही गलत डांस उसने किया था, स्टेप बिल्कुल ख़राब, और मुझे गुस्सा आ जाता फिर, लेकिन मैं कह सकता नहीं क्योंकि हमारा चल रहा था उस वक्त।
लेकिन मैंने उसे कहा कि ये तुमने क्या किया, और आगे से मेरे सामने बहाने बनाती गई थी, वो आज ना मेरा गला खराब था, ये मेरे को बेवकूफ बना, डांस से गले का क्या लेना देना, अगर तेरा गला खराब था तो नमक गरारे करके डांस कर लेती, बेवकूफ बना रही तू, मेरे सामने तो वैसे भी कोई डांसर टिक नहीं सकता, अभी देखिए मैंने आना ही था, प्रभु देवा जी चले गए उठ के, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अरे इतनी देर फ्री में यहाँ बैठना, कौन बैठेगा, वो तो पैसे लेते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं असल में फैन हूँ तो माधुरी दीक्षित जी का, आज वो मेरे सपनों में भी आती, मैं खुश हो जाता हूँ, काश वो यहाँ पे आ जाए आज। हेलो, हाँ डॉक्टर नैनो, ओ गॉड, और फिर आप दवाई भूल गए, चलिए दवाई निकाले मैं बताती हूँ, ढाई गोली सुबह लई, ढाई गोली शाम लई, पानी घटक घटक जाए, गोली सरक सरक जाए, आपको दवाई भूलने के चक्कर में मैं देती हूँ, परफेक्ट 8 नंबर, ढाई उंगली आँख में गई, क्या रेमो, मैं तुम्हारे और भारती के रिश्ते के लिए यहाँ पर आई हूँ, तुमने आते मुझे जख्मी कर दिया, खैर छोड़ो रिश्ता भाड़ में गया, तुम डायरेक्टर बन गए हो, रेमो मैं भी चाहती हूँ श्रीदेवी की तरह मैं कम बैक करूँ, अरे मुझे तो बहुत अच्छा डांस भी आता है, करके बताओ, अरे ऐसा डांस तो सरोज खां कर लेगी, अरे बिल्कुल प्रोफेशन के साथ कर रही हो, बिल्कुल रिदम में कर रही हो, बिल्कुल ताल में कर रही हो, घर में फ्री बैठना चाहती हो कि नहीं, अगर तुम चाहती हो ऑर्केस्ट्रा में जाऊं, 500 रुपए पेमेंट हो, घर के बैठ के टीवी पे सीरियल देखूं, फ्री बैठूं, चंकी पांडे मिलने आए, राहुल राय मिलने आए, एंजॉय करो, तो ये नहीं चलेगा, प्लीज प्लीज रेमो तुम ही मुझे सिखाओ, सिखाना पड़ता है, देखो सबसे पहले जब भी आप स्टेज पे आए हो जी, अपनी बॉडी में बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, जब आपने घूमना तो ये पैर यूं रखो जी, ठीक है, फिर ऐसे घूमना, आई एम सॉरी, जैसे मैं गिर गया हूं ना ऐसे गिरना नहीं, ठीक है, और सुनो एक स्टेमिना पूरा रखो, नहीं तो फिर पानी पीना पड़ता है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। रेमो ये डांस वांस छोड़ो, अच्छा मैंने सुना है कि तुम अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई है, लेकिन ये कैसा नाम रखा है ABCD, अरे नाम नहीं रखा, मैं अपने कमरे में ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था, ABCD इंग्लिश सीखनी पड़ती है ना, इस लाइन में रहना है तो उन्होंने नाम रख दिया, क्योंकि आजकल क्या होता है कि अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है ना तो थोड़ा सा बंदा पढ़ा लिखा लगता है, जैसे इसको इंग्लिश आती है, सर साहब सॉरी, तो इससे क्या होता है कि बंदा बड़ा अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी फिल्म का हीरो प्रभु देवा है, हाँ बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है, वो भी डायरेक्टर तुम भी डायरेक्टर, दो डायरेक्टर, फिल्म में ज्यादा झगड़ा नहीं हुआ, अरे झगड़ा कैसे होगा, हमारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता था, सारा दिन लड़ाई में लगे रहते थे, कभी वो मेरी बीड़ी पी गया, कभी मैं उसकी चाय पी गया, ऐसा कुछ कोई होता ही नहीं था, और वैसे भी उसको मैंने इसलिए लिया कि खुद एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है, सीन अगर गलत भी हो गया अपने आप वो ठीक कर लेगा, नाम मेरा लग जाएगा कि मैंने बनाई है, ये चीजें होती है, मैं तो फ्री थी, मैंने जजमेंट कर ली, तुम्हारे पास इतना काम था, तुमने जजमेंट क्यों की, अरे मैं जज इसलिए बना के कोई भी कंटेस्टेंट उठ के ये नहीं कह सकता हमें नहीं आता तो तू करके दिखा, उनको लगता है कि अगर जज बना है तो इसको आता ही होगा जैसे इनको लगता है कि इनको कॉमेडी आती होगी तो ये चीजें बनी जाती है। अच्छा मैंने सुना है कि आजकल एक डांस शो में वो जो साजिद खान है ना वो भी कहीं पे जज बनी बैठी है, बनी नहीं बना बैठा है, मुझे क्या पता, मुझे तो फराह भाई बोल रहा था, ये वाकई वो जज बन गया, अरे बन गया जज, अरे मैं तुम्हें सही बताऊं, जिस दिन उसको मैंने पहले दिन देखा था ना, मैं कहा ये लड़के को कोई नॉलेज नहीं, एक दिन जरूर जज बनेगा, मेरे को पता था, अरे भाई एक मिनट, हाँ डॉक्टर नैनो, सर दर्द की तो फिर से मेरे पर्स में आ गए, मेरा पर्स लेके क्यों जाते हो आप हॉस्पिटल, हाँ मैं अभी डॉक्टर की दवाई देके आती हूँ, अरे कमाल है, हेलो आग्नेश आचार्य जी कैसे हैं, नहीं मोटे हैं सबको पता है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अरे भैया वैसे तबीयत कैसी है, इंजॉय कहाँ, क्या बात कर रहे हो, गांव में वो जो पुराना ड्राइवर था उसका दादा गया, ओ माय गॉड यार ये तो बड़ा दुख वाली बात है, बहुत दुख लगा यार, टांगे भी गई, ओ हो नहीं सीधी सी बात करो, देखो मेरे को ऐसे घुमाओ मत, जो भी बात करनी सीधी करो, अरे सुनो अभी बंद करो यार, मैं डांस की प्रैक्टिस कर लूँ, ओके बाय, डांस की प्रैक्टिस तो होगी, भारती का फोन, भैंस, हेलो कैसे हो, अच्छा हूँ, तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, नए साल पे तुम्हें मुझे बिल्कुल भी फोन नहीं किया, अरे यार क्या करता, बस इतना बिजी था, कोई बात नहीं मैं अभी कर देता हूँ, एक मिनट, हैप्पी न्यू ईयर बोलना था बोला नहीं, बोलो ना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर,
आपकी हैप्पी न्यू ईयर के साथ आवाज कैसी आ रही थी? अबे वो मैं फ्लाइंग किस कर रहा था डार्लिंग। ओह हाउ स्वीट, मैं भी तुम्हें किस करना चाहती हूँ रेमो। एक मिनट रुको। ए, ये फोन में मिट्टी क्यों आ रही है? अब तुम्हारी सेह से तुम्हारी किस हुई, मेरी सेह से मेरा किस्सा हुआ ना। मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम उसे इतना प्यार करते थे तो उस डांस शो में मुझे 8-8 नंबर क्यों देते थे? ओह माय गॉड, अच्छा ये सोचती है? अरे पागल, देख इधर, तुम्हें पता है प्यार में ऐसी शंका आती है। अभी जैसे कॉमेडी सर्कस देखती है, अर्चना कपिल को नंबर ज्यादा देती है, बनते सुदेश के, तो लोगों को पता चल गया ना उनके चक्कर का, इसीलिए नहीं देता। अभी यहाँ पे कई लड़कियां ऐसी हैं जो पता नहीं चलने देती अपने प्रेम का, जैसे श्रुति, आज तक पता चलने दिया कि इनके साथ उनका चक्कर है। ये होता है प्यार। लेकिन हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? हनीमून? हाँ। हमारी तो शादी नहीं हुई। हमारी शादी हो चुकी है। कहाँ पे? अरे याद करो उस दिन लोखंड वाला सर्कल पे, तुम्हारा पर्स छीन के मैं भागी थी ना सर्कल पे, और तुम मेरे पीछे पीछे भागे थे, वहीं पर हमारे साथ फेरे हो गए थे। बेवकूफ बना रही, शादी होती है फेरों के साथ साथ, बीच में अग्नि भी होती है। अरे अग्नि भी थी ना बीच में। कैसे? अरे वो सिद्धार्थ ज्यादा बीड़ी नहीं पी रहा था बीच में बैठ के। आज के बाद ऐसी घटिया हरकत तुम कभी नहीं करोगी, तुम तो जानती हो और सब जानते हैं मेरे घर पे मेरी एक खूबसूरत बीवी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जब तक वो है मुझे क्या जरूरत है। हाँ 3-4 दिन के लिए उनको कहीं भेजते हैं, फिर तुम आ जाना। सच? रामू मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपनी बाहों में भरो और वही गाना बोलो, हथनी दब। रेमो कैसा लगा आपको ये सरप्राइज? बहुत ही कमाल का था। रेमो जी क्या डांस करते हैं आप यार। आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, थैंक यू सर, माइंड। सोहेल ये बहुत ही बढ़िया एक्ट था भारती, सिर्फ आप एंड सुदेश जी, सिर्फ आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप रेमो बन के आ सके, बिकॉज रेमो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड दैट वी हैव, और आप में इतना कॉन्फिडेंस है एज एन एक्टर कि आप दुनिया के सबसे वर्स्ट डांसर हैं और आप आए रेमो बन के, तो इससे बड़ा एक्टिंग कॉन्फिडेंस किस में नहीं हो सकता। अर्चना आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? एक इनोसेंस है भारती आप में, जो आप हमेशा मंच पर अपने कैरेक्टर्स में लाती हैं, उसकी वजह से जो भी आप एक्ट करते हैं, सुदेश आप में भी वो इनोसेंस है, वो भोलापन है, लेकिन जो मंच पर दिखता है वो आपकी मासूमियत और आपके बेहतरीन टैलेंट। थैंक यू, वेरी वेल डन। तो अर्चना आप ही से शुरू करते हैं, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? सोहेल प्लीज वेलकम किकू एस गिरजू महाराज, अपने आज के पार्टनर सिद्धार्थ एज अ ढोलक प्लेयर के साथ। मैं हूँ उस्ताद आकिर हुसैन। तो सबसे पहले सोहेल भाई आदाब, अर्चना जी आदाब। आदाब सर, कैसे? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, एक्चुअली मेरी माँ ने मुझे कहा था बेटा अगर ऐसे ही ढोलक बजाता रहा तो एक दिन बड़े बड़े नचनियों को तो ऐसे ही बिठा देगा। लो सर बिठा दो। खैर सर आपको मैं बता दूँ, मैं आपका फैन तो हूँ और आपका आना यहाँ बनता भी था सर, प्यार चीज ही ऐसी है। अब इसके चक्कर में तो रजा मुराद यहाँ आ गए थे, फिर इसने भगाया, कहती है उम्र देखिए अपनी, तेरे जितने तो मेरे बच्चे हैं। फिर उन्होंने अपने दादा को भेजा मजा मुराद, तब इसको मजा आया। महाराज इतना नाचे जोर से क्योंकि घुंघरू तोड़ दिया आपने, क्यों नाचे महाराज? हम हैं गिरजू महाराज, और एक बार जब हम किसी पर गिर जाते हैं ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, उठ जाता है, उठ जाता है। अच्छा मतलब 3 बार उठता है? हाँ तो हम गिरते भी तो 3 आदमियों पे एक साथ है। ओहो वैसे चूंकि हम एक डांसर हैं, हम म्यूजिशियंस की बड़ी कदर करते हैं, परंतु वो म्यूजिशियंस जो अपने जूनियर म्यूजिशियंस की कदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, वो हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ तबला बजाते रह जाते हैं, वो भी एक ही जगह पर बैठकर, वो भी 6 सालों तक। पर हम ऐसे कलाकारों की भी बड़ी कदर करते हैं,
इन्होंने अपने कला का प्रदर्शन करके कई कप जीते हैं, साथ में कई प्याले और कई केटलियां भी जीती है। बहुत जल्द ही अपनी चाय की दुकान खोलने वाले हैं, ऐसी हमारी दुआ है। मैं शर्म की सीसरी इज्जत करता हूँ। एक बार मुझे बोले बेटा मैं इतना बड़ा नचनिया हूँ, कहीं नाचते नाचते एक भी स्टेप मेरा गलत हो गया मैं तो डूब के मर जाऊंगा। कहते मेरी दो बहनें उनका क्या होगा। मैंने कहा सर मैं आपकी दोनों बहनों को अपनी छोटी बीवियां समझ के रखूंगा। देखिए 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 आप थोड़े से क्यूट क्या हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बार बार हमारी तौहीन करेंगे। और तेरी बॉडी मसाज करूं मैं? आप बहुत बड़े ढोलकियां हैं ना। ढोलकियां का क्या मतलब? मैं ढोलकियां हूँ। ओहो, हूँ मैं ढोलकिया। आपको आता है बजाना? बहुत अच्छा आता है। हाँ तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम नृत्य करेंगे, आप ढोल बजाइए। चलिए तीन ताल बजाइए। क्या बजाना बोलो? तीन ताल बजाइए। लो, आपको ताल के बारे में कुछ भी पता है? अर्चना जी 10 साल से मैं ढोलक बजा रहा हूँ, ऐसे बाल सफेद नहीं किए मैंने। ताल के बारे में आपको कुछ भी पता है? सुभाष घई जी ने पिक्चर बनाई थी, अक्षय खन्ना ने काम किया था उसमें, अनिल कपूर थे, गोंडिया झकास उन्होंने बोला था। झकास उन्होंने ताल में नहीं बोला था, तेजाब में बोला था। ताल में उन्होंने बोला था 1-2 का 4, 4-2 का 1। तो राम लखन किसमें बोला था? राम लखन में उन्होंने बोला था रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। मैं ढोलक ही बजा लेता हूँ भैया। बजाना आता है आपको? महाराज आता है मेरे को बजाना आता है। अच्छा, ये 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 तीन ताल थी, ये तीन ताल थी, ये बजाया आपने? तो आड़ा चौताला बजा रहा था मैं, आती है मुझको बजानी। ओहो, आपसे अच्छा डांस करना आता है मेरे को। हो जाए, आ जाओ, आओ म्यूजिक दीजिए भाई। Anybody can dance. Thank you. Anybody can dance. रेमो, क्या एबीसीडी पार्ट टू में आप इन दोनों को लेंगे? सच कहूं बिल्कुल लूंगा। सिद्धार्थ ने जब एंट्री की थी तब मैंने कहा कि पता नहीं शक्ल से बड़ा छोटा सा लगता है, पता नहीं क्या करेगा कॉमेडी में, यहाँ पे तो धुरंधर बैठे हुए हैं यहाँ पे इतने बड़े, बट यू टुक ऑफ मैन और कमाल किया आपने। एंड देन कीकू जी, आप आए, आपके अंदाज, आपके एक बॉडी लैंग्वेज था, एक्चुअली इस एक्ट में ताल वॉज माइंड ब्लोइंग। थैंक यू, थैंक यू, आउटस्टैंडिंग, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू रेमो। सोहेल, सिद्धार्थ एंड कीकू, इस ऑर्डिनरी एक्ट को संभालना और उसको एक मजेदार एक्ट में कन्वर्ट करना, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एक्ट। थैंक यू सोहेल। आची, कीकू आप तो मंजे हुए कलाकार हैं, सिद्धार्थ लेकिन आप तो बहुत छोटे हैं, आपका एक्सपीरियंस भी कम है, आप जिस कॉन्फिडेंस से आते हैं इस मंच पर वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है। एक्ट इटसेल्फ वाज नॉट सो गुड, बट स्पेशल मेंशन टू यू सिद्धार्थ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो जजेस, आपके बहुत ही अच्छे कमेंट्स के बाद थोड़े अच्छे स्कोर्स भी हो जाए। सोहेल, गो फॉर 9 points फ्रॉम सोहेल। फॉर मी इट्स 1 extra point फॉर सिद्धार्थ। थैंक यू। दबंग यानी एंटरटेनमेंट का रेगुलर ठेका, जिससे अब पूरा बॉलीवुड जुड़ना चाहता है और हॉलीवुड समझना चाहता है कि दबंग सीरीज की सक्सेस का राज क्या है। तो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही दबंग की ऑफिस में आ पहुंचे हैं। अब वहां कैसा हुड़हुड़ होता है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम मंत्रा एज वेरियस कैरेक्टर्स, अपनी आज की पार्टनर श्वेता एज अरबाज़ सेक्रेटरी के साथ। ताली चाहे उल्टी बजाओ या सीधी, फिल्म हिट हो ही जाती है। हेलो, हाय, आपसे नहीं कह रही हूँ, फोन पर हूँ। हेलो,
हाँ हाँ दबंग थ्री बन रही है भाई, बन रही है। कितने फोन आते हैं आपको, क्या लगा मैं आपको हेलो हाय बोल रही हूँ इसकी तरह फालतू हूँ? अरे मैं अरबाज खान प्रोडक्शन की सेक्रेटरी हूँ भाई, बहुत काम है, दबंग थ्री बन रही है। दबंग तो हिट क्या हो गई, बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड ने भी मेरा जीना हराम कर दिया है, बाय गॉड। आई लव इंडिया, आई लव दैट। स्क्रीम आउट हियर, टर्मिनेटर, टाइटैनिक, जैक निकल्सन, जॉनी डेप, रेमो फर्नांडिस, टोनी निकोलसन। हे टीम मिश का पैसा लगा नहीं, मैं हॉलीवुड का लल्लन टॉप डायरेक्टर है, डैनी डैनी गोयल। गेम शो अच्छा तो मालूम है, मैं इंडिया में आया इस सेंसेशन दबंग थ्री के बारे में मालूम करने। अरे हम इतना मेहनत करता है फिल्म बनाने के लिए और यहाँ का हीरो लोग एक मूछ लगा के फिल्म सुपर हिट कर देता है। मैं तो अपनी अगली फिल्म टाइटैनिक 2 में जैक, रोज और टाइटैनिक तीनों को मूछ लगाएगा। What do you think about that? क्योंकि मूछें हमारी संस्कृति है और जो संस्कृति अपनाएगा वही करोड़ों कमाएगा। मैं हॉलीवुड और बॉलीवुड को मिलाना चाहता है। मैं तो अपने अगले फिल्म में टॉम क्रूज से भी सलमान का सिग्नेचर स्टेप कराएगा। हू डू हू दबंग 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 दबंग। एंड इन फैक्ट उससे डायलॉग भी बुलवाएगा। वंस आई डू कमिटमेंट, आई डोंट लिसन टू एनीबॉडी। यार तुमको मालूम है हम दो दो तीन तीन साल बैठता है तब जाके डेढ़ घंटे का पिक्चर बनता है। फिर तो तुम्हें ना कॉमेडी सर्कस से सीखना चाहिए, वो खड़े खड़े तीन तीन घंटे की फिल्में बना देता है। डेढ़ घंटा सैटरडे को और डेढ़ घंटा संडे को सोनी टीवी पर देखना जरूर। हमने और भी बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया है। क्या फायदा, जब तक हमारे इरफान खान और अनिल कपूर तुम्हारी फिल्मों में कैमियो नहीं करते तब तक तुम्हारी फिल्में हिट ही नहीं होती। एक्सक्यूज मी, वो कैमियो नहीं फुल फ्लेज्ड रोल है। फुल रोल था? फुल रोल ऐसा होता है? पता है मेरे अंकल ना अनिल कपूर के बहुत बड़े फैन हैं। वो अनिल कपूर को देखने के लिए मिशन इम्पॉसिबल देखने गए। फिल्म देखते देखते उनका मोबाइल गिर गया। वो मोबाइल उठा कर बैठे तो पड़ोसी ने कहा भैया अनिल कपूर का सीन निकल गया। ऐसा नहीं है, हमारे फिल्म में देखो सीक्रेट है जो हम बॉलीवुड वालों को नहीं बताते, इसलिए तुम हमें कभी कॉपी नहीं कर पाएगा। लगता है आप ना साजिद खान से नहीं मिले, वो आपकी फिल्म में ना फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी कर देता है। रिडिकुलस, व्हाट यू सेइंग, हमारे पास एक कौन है? ये कौन है? एक कौन सिंगर चमक चलो। हाँ तो हमारे पास सोनू निगम है, हमारे पास शकीरा है, हमारे पास राखी सावंत है। जीत गई तुम, जीत गई तुम। मैं हार मानता, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, आई रेस्ट माय केस, टाइम आउट प्लीज, टाइम आउट, या नो नथिंग मोर प्लीज। हार और क्या जीत, हम लोग करोड़ों खर्चा करके फिल्में मनाते हैं और साले पायरेसी वाले उस फिल्म का बजट 30 रुपए कर देते हैं। से भी सटायर करा लिया मैंने, किसी को कॉमेडी नहीं करने दूंगा, सबको आर्ट साइड का बना के जाऊंगा। करो सटायर सालो। वैसे एक बात बताऊं कि हिंदुस्तान में फिल्में ना सिर्फ दो ही चीजों के भरोसे चलती हैं, भगवान भरोसे और सलमान भरोसे। तेरी यार, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ओह, एक्चुअली मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि मंगल पांडे के आगे निकल गया चुलबुल पांडे, इसलिए अब मैं मंगल नहीं चुलबुल पांडे बनूंगा। मुझे तलाश है एक हिट फिल्म की, ये दबंग 3 में काम मिल सकता है मैडम प्लीज। अरे नहीं, ये सलमान खान कैंप है, यहाँ से सिर्फ सलमान खान काम करता है। ऐसे मत बोल यार, मैं मेहनत करूंगा। तू ये बता कि फिल्म में हीरोइन कौन है मेरे साथ? सोनाक्षी। ओह, शत्रु जी की बेटी, आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हर। एक बात बता, सोनाक्षी और मेरे बीच में कितने फाइट सीन्स हैं? इसे फाइट सीन्स नहीं कहते, इसे लव सीन्स कहते हैं। अरे तो साइज भी तो देखना यार, अगर सोनाक्षी मेरे साथ फाइट सीन नहीं करेगी लव सीन करेगी, ऐसे ही लगेगा कि फाइट हो रहा है मेरे साथ में। एनीवे मेरे को एक बात बता, डायलॉग है कि नहीं मेरे लिए कोई? हाँ हाँ डायलॉग है ना, तुम करोगे डायलॉग? हाँ हाँ, ऑडिशन तो करो। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पागल हूँ क्या? क्यों नहीं सुनूंगा अपने आप की यार? कैसी बात करती है? अरे कि सलमान खान ऐसे ही बोलता है। अरे तो उसे शादी नहीं करी ना यार। शादी करके देख, शादीशुदा लोगों से पूछो, आप बताओ संजीव जी, सुननी पड़ती है यार। अरे घर की स्त्री छोड़ो, कपड़े स्त्री करने वाली सुना के चली जाती यार। कमाल है। इस फिल्म में ना आपको नाचना भी पड़ेगा। आपको नाचना आता है? I know dance यार। ये वाला नहीं, ये वाला हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। पागल है क्या? मैं ऐसे अश्लील स्टेप्स नहीं करता। अच्छा लगेगा मैं तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे यूं यूं करूं? मेरे साथ नहीं, अपने बेल्ट के साथ करना है। ओ नहीं यार, मैं बिलो तो बेल्ट ऊपर नहीं करता, मैं ऊपर करूंगा, ऊपर करूंगा, ऊपर। अरे आंखों से करूंगा यार, यूं हुड हुड दबंग 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 दबंग, ये चलेगा? अरे क्या पका रहा है यार ये आमिर, इतनी पक गई हूं कि मुझे रोना आ रहा है। कहां तुझे रोना आ रहा है? तू पक गई है यानी मैं
टू के लिए तैयार हूँ यार। अब मैं सबको रोलिंग लेके आ रहा हूँ। किरण कैमरा रोल करो। रेमो कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? वंद्रा यू आमिर खान का बहुत अच्छा आप नकल करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। एंड श्वेता यू आल्सो वेरी गुड यार। थैंक यू, वेरी वेरी एंजॉयड इट। अर्चना आज मुझे कुछ सुर में गड़बड़ लगी। खराब नहीं गया एक्ट, लेकिन उतना नहीं जम पाया जितना जम सकता था, पर इट वाज अ स्वीट एक्ट। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। सोहेल पहली बार मुझे ऐसा लगा कि श्वेता दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ व्हाट यू वर डूइंग और विथ योर लाइंस, और आई जस्ट फील दैट हम राइटर्स के हमेशा तारीफ करते हैं, बट आई थिंक इट्स वन कमेंट और टाइम टू टेल द राइटर्स दैट जस्टिफाई द एक्टर्स द टैलेंट ऑन स्टेज एंड एटलीस्ट गिव देम सम मटेरियल to perform with. Thank you Sohail. Aap is act ko kitne points denge? 8 points from both our judges.